नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे एक नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। और गाइज आप लोग, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो और गाइज टाइटल में पढ़ रहे हो कि मतलब कि मेरा जो है, मेरे को पाकिस्तान से कॉल आया था। ये गाइज बिल्कुल सही बात है। मैं कोई भी क्लिक बैट मतलब कि नहीं कर रहा इस वीडियो में। और गाइज ये मतलब 100% ट्रू है। इसलिए गाइज मैंने सोचा कि मैं जिस तरीके से पाकिस्तान से बच गया कॉल उठाने से और गाइज साइबर अटैक होने से बच गया, उसी तरीके से आप किस तरीके से बच सकते हो। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाए कि जो मेरे साथ हुआ वो आप सभी के साथ ऐसा ना हो और गाइज आप लोग भी बच जाओ जैसे कि मैं बच गया। मेरे साथ तो साइबर अटैक नहीं हुआ और गाइज बाई चांस मैं गलती से भी उनका कॉल उठा लेता ना, तो गाइज हो सकता था मेरा अकाउंट खाली हो सकता था। मतलब मेरे साथ वो लोग ब्लैकमेल कर सकते थे, तो कुछ भी कर सकते थे। आप लोग तो समझ सकते हो कि साइबर अटैक बहुत ही ख़राब चीज़ है। और गाइज मैं किस तरीके से बच गया, आप लोग किस तरीके से बच सकते हो, उसी बारे में इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो गाइज़ आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइज सभी दोस्तों के साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि किसी भी दोस्तों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए गाइज बढ़ते हैं वीडियो में। गाइज हम सभी लोगों का ये आदत होता है कि जब भी हम नेट यूज़ करते हैं ना, तो गाइज हमारा जो डाटा है, या फिर हम घर में यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई से यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम डाटा ही ओपन करके मतलब यूज़ कर रहे हैं, नेट चला रहे हैं, तो गाइज हम सभी का जो मतलब कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो लोग जो है अपना डाटा हमेशा ऑन रखते हैं, क्योंकि गाइज हो सकता है कि उनको काम होता होगा, इसीलिए गाइज वो लोग डाटा जो है ऑफ नहीं करते। और गाइज अपना जो डाटा है वो लोग हमेशा ऑन ही रखते हैं, ताकि मतलब कि उनको हो सकता है कि काम हो। लेकिन गाइज ये जो आदत है ना कि हमेशा डाटा 24 घंटे ऑन रखना, ये बहुत ही बुरी आदत है। इससे तो आपका मोबाइल भी जल्दी से डाउन होता है, इसका डाटा लॉस भी होता है। और गाइस सबसे बुरी बात ये है कि अगर आपको कोई भी कॉल करता है ना, तो गाइस आप जो है फटाक से उठा लोगे। लेकिन गाइस वहीं अगर आपका जो फ़ोन है उसमें डाटा ऑफ रहेगा, तो गाइस आपको मतलब कि जैसे अगर आपको कोई कॉल करता है व्हाट्सएप पे या कोई भी मैसेंजर पर, वीडियो कॉल करेगा या फिर कॉल करेगा नॉर्मल, तो गाइस उसका जो मिस कॉल, जब भी आप डाटा ऑन करोगे तो मिस कॉल दिखाएगा। वही गाइज मेरे साथ भी हुआ। मेरा एक बहुत ही अच्छा आदत मुझे उस दिन पता चला, जिस दिन मैं इस साइबर अटैक से बच गया, कि मैं जब भी मतलब कि मुझे इंटरनेट की ज़रूरत होती है तो मैं डाटा ऑन रखता हूँ, ऑन करता हूँ, नेट यूज़ करता हूँ, उसके बाद जो है इंटरनेट को मतलब कि बंद कर देता हूँ, डाटा को बंद कर देता हूँ। गाइज यही आदत होने के कारण मैं जो है साइबर अटैक से बच गया, क्योंकि गाइज जिस दिन मतलब कि मुझे पाकिस्तान से कॉल आया ना, तो गाइज मेरा जो डाटा था वो ऑफ था। वो लोग जो कॉल किए थे, वो लोग कॉल किए थे व्हाट्सएप पे, नॉर्मल कॉल नहीं किए थे, वो लोग कॉल किए थे व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप कॉल किए थे। और गाइज मेरा डाटा ऑफ होने के कारण मैं जो उनका कॉल नहीं उठा पाया। और गाइज अगर बाई चांस मेरा डाटा ऑन रहता ना, तो गाइज मैं पक्का मतलब कि व्हाट्सएप कॉल देखकर उठा लेता। मैं नंबर मतलब कि नहीं देखता, कोई भी नंबर जनरली नहीं देखता, फट से उठा लेता है कि चलो उठा के पूछ लेते कि कौन है। और गाइज मेरा साथ भी वही होता। और गाइज बाई चांस गलती से भी मैं उसका कॉल अगर उठा लेता ना, तो मेरे साथ मतलब कि साइबर अटैक हो जाता और गाइज मेरा अकाउंट खाली हो सकता था, मतलब कि मुझे वो लोग ब्लैकमेल कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। और गाइज जिस नंबर से वो लोग कॉल किए थे ना, वो एक पाकिस्तानी नंबर था। और गाइज मुझे कैसे पता चला कि पाकिस्तानी नंबर है, क्योंकि गाइज हमारे देश का जो कंट्री कोड है ना, वो अगर आप कॉल करोगे हमारे मतलब एक स्टेट से दूसरे किसी को भी कॉल करोगे, आप अपना नंबर भी देख लेना, आपका नंबर के आगे क्या होता है, +91 लिखा रहता है, जो हमारे इंडिया का कोड है। लेकिन गाइज हर मतलब कंट्री का ना अलग अलग कोड होता है, वैसे ही गाइज पाकिस्तान का जो कोड है वो है +92। और गाइज जब मेरा डाटा ऑफ था, जब मैंने डाटा ऑन किया, तो मुझे एक व्हाट्सएप कॉल का मिस कॉल दिखा। जब मैं देखा तो उस कॉल उस नंबर के आगे लिखा था +92। और गाइज मैं मतलब कि समझ गया कि मतलब ये जो कॉल है वो पाकिस्तान से आया था। मैं गाइज इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा नंबर का। और गाइज उसका जो नाम था व्हाट्सएप पे, वो था CBI ऑफिसर करके। मतलब कि बताओ अब पाकिस्तान का CBI ऑफिसर मुझे कॉल करेगा भला क्यों। गाइज जिस नंबर से कॉल आया था ना, वो नंबर भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। वो नंबर अभी आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा, मैं बता भी देता हूँ। गाइज वो जो नंबर था +92, उसका जो कोड था वो तो लिखा हुआ ही था। और गाइज वो जो नंबर था वो था +92 313 876 2966। गाइज इसी नंबर से मुझे व्हाट्सअप कॉल आया था। और गाइज अगर आपको ये नंबर से आपको भी कॉल आता है ना, तो गाइज आप लोग मतलब कि अलर्ट हो जाना, कि अगर आपको इस नंबर से कॉल आता तो इस नंबर को बिल्कुल भी मतलब कि उठाना नहीं गलती से भी। इसके अलावा कोई भी मतलब कि नंबर से कॉल आता है, उसके आगे अगर +92 लिखा है ना, तो बिल्कुल भी नहीं उठाना, क्योंकि गाइज आपके साथ साइबर अटैक हो सकता है। तो गाइज इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि गाइज आप लोग बच पाओ। और गाइज ये जो कॉल आया था मुझे शाम को, मतलब कि 8 अगस्त के दिन शाम को 5 बजे के आसपास ये कॉल आया था। और गाइज मेरा जो डाटा था वो ऑफ था, इसीलिए गाइज मैं साइबर अटैक से बच गया। इसलिए गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको इंटरनेट का ज़रूरत है, तभी आप डाटा को ऑन रखो, उसके बाद आप डाटा को मतलब कि ऑफ कर दो,
ताकि अगर आपको कोई भी मतलब साइबर अटैक करने की कोशिश भी करे तो गाइज वो कर ना पाए, क्योंकि गाइज आप इंटरनेट कनेक्शन से कट हो जाओगे, मतलब कि दुनिया से ही एक तरीके से कट हो जाओगे और गाइज आपके साथ साइबर अटैक नहीं हो पाएगा। तो गाइज मेरा यही मतलब कि मोटिव था कि इस वीडियो के जरिए आप सभी को मतलब कि एक अलर्ट दे देना कि ऐसा अगर नंबर से आपको कॉल आता है तो गाइज आप लोग जो है मतलब कि बिल्कुल भी मत उठाना, और गाइज इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि किसी के साथ भी ऐसा बिल्कुल ना हो, वो लोग अलर्ट हो जाए। और गाइज हो सकता है ये मुझे आया है, अगला किसी बंदा को आया और गाइज वो गलती से भी उठा ले तो गाइज उसके साथ तो गलत हो जाएगा ना। तो गाइज मेरा फर्ज बनता है कि मतलब कि सभी को अलर्ट कर देना। तो गाइज ये लोग जो है अलग अलग नाम से कॉल करते हैं, जैसे कि मुझे CBI ऑफिसर करके कॉल आया था, मतलब नाम जो उस पर दिख रहा था बाद में मैं देखा कि CBI ऑफिसर के नाम से था। तो गाइज ये लोग मतलब कि अलग अलग नाम से कॉल करेंगे, आप लोग अलर्ट हो जाना, बिल्कुल भी फोन मत उठाना। गाइज ये लोग जो है जनरली जो है व्हाट्सएप कॉल ही करते हैं, क्योंकि गाइज इसका जो मतलब कि जो भी बात करोगे इसका ज़्यादातर मतलब कि रिकॉर्ड वगैरह आप नहीं कर सकते, इसलिए गाइज ये लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं ताकि वो लोग सेफ रहे। तो गाइज आप लोगों को सारा मतलब समझ में आ गया होगा कि मुझे किस तरीके से कॉल आया, मैं किस तरीके से बच गया, आप भी बच सकते हो। इस वीडियो को शेयर करके सभी दोस्तों को मतलब कि बचा लो साइबर अटैक होने से। मिलते हैं और एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।